एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है रिंकी फैमिली ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज भोर में हमारे यहाँ होलिका दहन हुआ था, लगभग 3-4 बजे के करीब। तो सुबह सुबह हम लोग ये साफ सफाई कर रहे हैं। जब भी होलिका दहन होती है ना, तो उसके सुबह पूरा घर अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि साल भर का सम्मत जलता है, तो पूरे घर को धोया जाता है ऊपर नीचे। अगर नीपने वाला है गोबर मिट्टी से तो फिर नीपा जाता है। तो वही हम लोग पहले छत से शुरू किए हैं। सुबह सुबह आके सूर्य भगवान उदय हो चुके थे, मुझसे तो अकेले होता नहीं, तो इसलिए हम दोनों लगे हुए हैं, हस्बैंड वाइफ। ऊपर का छत पूरा धो लिया है, उसके बाद ये आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये तीनों रूम भी धो ही लेंगे आज दोनों मिलके। ये मैं ही नहीं करती हूँ दोस्तों, ये हर कोई सबके घरों में होता है। जब अगजा जलता है ना, अगजा हम लोग होलिका दहन को कहते हैं, अगजा जलता है उसके बाद पूरे घर की लीपा पोती होती है। जो धोने वाले होते हैं उसको धोया जाता है और सब कुछ मतलब क्लीन किया जाता है, फर्श वगैरह पोछा भी लगाया जाता है या फिर धोइए। तो आज मैंने पूरे ऊपर से नीचे सब कुछ मतलब कि धो ही दिया है। तो नीचे आ गई हूँ, ऊपर हो गया दोनों तरफ, तो नीचे आ गई हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ पहले पूरे घर में, उसके बाद फिर इसको भी क्लीन करूँगी। वैसे मैं ज़्यादातर पोछा ही लगाती हूँ, बट होली के दिन है तो मैंने सोचा कि चलो आज पाइप लगा के पूरे रूम को धो दिया जाए। तीनों रूम को, नीचे भी ऊपर भी तीनों रूम धो दिया है, छत भी धो दिया है, तो सारा अच्छा से क्लीन हो जाएगा। धोने से होता है ना कि पूरा अच्छा से निकल जाता है गंदगी अगर फंसा हुआ रहता है। और देखिए, तो कभी कभी रूम को धो भी देना चाहिए। वैसे पोछा तो डेली लगता ही है, लेकिन कहीं कहीं फंसा हुआ रहता है, फ्रिज के नीचे, पलंग के नीचे, ईंटों में धूल कण जमा रहती है जो कि पोछने से नहीं निकलता है। तो वही पाइप लगा के हम लोग धो रहे हैं। कभी कभी धोने से अच्छा होता है, उसके बाद पोछा भी लगा देंगे, क्योंकि पानी जहाँ तहाँ जमा रहता है ना, तो अच्छे से सूख जाएगा। और ये हमारा किचन है, किचन तो वैसे भी थोड़ा सा तेल तेल जैसा चिपचिपा हो जाता है, तो धोने से फूल गया था। फिर मैंने कपड़े धोने वाले परस से पूरा रगड़ दिया, जहाँ तहाँ अगर काला काला था तो वहाँ, तो अच्छे से किचन भी क्लीन हो गया। और ये अभी सीढ़ियों के पास धो रहे हैं, तो दोनों मिलके साफ सफाई कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अकेले होगा नहीं, पूरा ऊपर नीचे और कोई मतलब पाइप लगा के धोना पड़ता है ना, तो अकेले में बनता भी नहीं है। पहले जब हमारे यहाँ मोटर नहीं था तो बहुत भार होता था, मतलब धोने में बाल्टी से लेके पानी और धोते थे, लेकिन उसमें है कि अकेले हो जाता था। लेकिन जब ये मोटर लगा है तो अकेले नहीं होता है, क्योंकि पानी ज़्यादा, कोई पकड़ने वाला भी तो पाइप चाहिए ना। दोनों मिलके करते हैं तो ठीक रहता है। इसी तरह हम दोनों मिल के पूरा घर धो लिए हैं, उसके बाद ये भी नहा लेंगे, हम भी नहा लेंगे, क्योंकि आज पूजा पाठ भी थोड़ा करना है। तो देखिए, हर जगह अभी रात चढ़ता है। वैसे इस बार 2 दिन पूर्णिमा है ना दोस्तों, तो हमारे तरफ कल भी था, आज भी। तो आज 7 तारीख की भोर में हम लोग अगजा जला लिए हैं, और जहाँ मैं अभी रह रही हूँ ना, वहाँ पे जो है आज शाम को अगजा जलाई जाएगी। मतलब कि हम लोग के तरफ 7 तारीख को सुबह में ही अगजा जल गया मेरे गांव में, और जहां मैं रह रही हूं वहां भी 1-2 जगह सुबह में ही जल गया था भोर में, और कुछ जगह जो है आज शाम में अगजा जलाया जाएगा। तो देखिए, हमने तो पूजा पाठ कर लिए आज ही, क्योंकि अगजा हमारा जल गया था, होलिका दहन हो गया था, साफ सफाई भी हो गई थी, तो सारे भगवान जी पे अबीर भी चढ़ा दिए, देवी स्थान भी गई, वहाँ भी अबीर चढ़ा लिया। और जब पूरा घर साफ हो ही गया है, तो कल भी मतलब हमारे यहाँ होली है, पुआ पकवान तो कल ही बनेगा, लेकिन साफ सफाई हो गई है तो आज पूर्णिमा भी है। पूरे जगह पे मैंने अबीर चढ़ा लिया सारे देवी देवता पे, उसके बाद इनको भी थोड़ा सा अबीर गुलाल लगा लेती हूँ, इनका भी आशीर्वाद ले लेती हूँ। और भी बहुत सारे काम हैं दोस्तों, और ये सब करते करते दोनों मिलके किए थे, फिर भी लगभग 10 बज ही गए थे। और अभी हम लोगों ने चाय पानी भी नहीं पिया है, क्योंकि जब होलिका दहन होती है तो हमारे यहाँ बिना धोए पोछे चूल्हा नहीं जोड़ा जाता, मतलब आग नहीं जलाई जाती, कुछ बनाया नहीं जाता है। तो अभी पूजा पाठ हो गया, तो उसके बाद चाय मैंने बनाई है, और यही कल का कचरी बचका जो है पकौड़े, वही खा रही हूँ चाय के साथ। और ये जब मैं पूजा करने गई थी तो खा चुके थे, इसलिए अभी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ चाय ही पी रहे हैं। तो हमारे यहाँ कल का बासी भी खाना खाया जाता है, कढ़ी चावल, इसके बाद वो भी खा लूँगी। तो अभी देखिए इतना सारा कचरी बचा हुआ है, इसी की सब्जी बनाते हैं, और कल रात का चावल और कढ़ी बड़ी भी है,
हमारे यहाँ होलिका दहन के सुबह वही बासी खाना खाया जाता है, तो थोड़ा सा सब्जी मैंने बनाई है और आज तो पुआ पकवान बना नहीं तो खीर बना लेते हैं, क्योंकि कुछ मीठा बनाया जाता है, पर्व का दिन है तो ऐसे ही नहीं रहा जाता, तो वही कढ़ी चावल तो सब खा ही चुके थे, थोड़ा थोड़ा सबने खाया क्योंकि ये नियम होता है, विध होता है खाने का, थोड़ा थोड़ा खाया, उसके बाद मैं खाना बनाने लगी हूँ। वही कचरी की सब्जी बनाऊंगी, बहुत सारा बचा हुआ था तो सोचा कि कचरी की सब्जी बना लेती हूँ, थोड़ा सा खीर बना लूँगी, थोड़ा सा पूरी बना लूँगी, आज का हमारा एक खाना हो जाएगा दोपहर का, कल बाकी जो पुआ पकवान है वो बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं छत पे आ गई हूँ और मैंने रजाई वगैरह भी रखा नहीं था तो सबको धूप में मैंने फैला दिया है, कंबल भी विशाल लेके आया था उसको भी मैंने धो लिया, उसको हाथों से धोना तो बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन मैंने वॉशिंग मशीन में आधा आधा करके और धो लिया है। और देखिए छत पे कितने सारे कपड़े फैलाए हुए हैं, ये सब जो है ऊनी वाले वो सब रख दूंगी, उधर कंबल भी है और बेडशीट वगैरह भी धोया था कुछ कुछ, क्योंकि साफ़ सफाई तो होती है यक जाके कल होके, तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई के साथ मतलब घर धोया ना, तो बिछावन भी एक दो थे ऊपर वाले वो भी धो दिया, और ये सब जो है कंबल रजाई ये सब को धूप दिखा देती हूँ, अच्छे से सब सूख जाएंगे। कंबल को तो मैंने धो दिया है, भारी कंबल है फिर भी मैंने धो लिया, और पहली बार मैंने कंबल को मशीन में धोया है, हाथों से बहुत मेहनत लगती थी तो मशीन में आधा आधा करके धो लिया तो थोड़ा आराम मिला मुझे। और देखिए जो कपड़े सूख गए हैं ना उसको मैं तहक लगा के रख देती हूँ, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो सारे कपड़े उड़ जाएंगे, और जो सूखे चुके हैं उसको निकाल के रख देती हूँ। तो देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हो गए, बार बार मैं नीचे ले जाकर रख रही थी, और यहाँ पे और भी ज़मीन पे है उसको मैं अभी यहाँ पे जो कुर्सी है उस पर रख देती हूँ, दूसरी बार आऊँगी तो ले जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे आ गई हूँ और अभी मैं सूजी भून रही हूँ हलवा के लिए, क्योंकि मैंने परसों भी हलवा बनाया था तो ये नहीं थे तो बोले कि मैं खीर नहीं खाऊँगा, हलवा मेरे लिए थोड़ा सा बना दो, तो उनके लिए क्या हमने सबके लिए हलवा बना दिया है। और दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोग के तरफ 7 तारीख को अगजा कब जली, सुबह में जली या शाम में, क्योंकि हमारे तरफ तो दोनों हो गया, सुबह में भी जल गया और शाम में भी जलना अभी बाकी है। मेरे पास बगल में सड़क है वहाँ पे अभी अगजा नहीं जला है, होलिका दहन नहीं हुआ है, शाम में होगा। तो कुछ लोग जो है आज भी वो कचौड़ी कचरी पकौड़े ये सब बनाएंगे, कुछ लोगों ने कल बनाया तो मैंने तो कल ही बना लिया था। और देखिए ये वाला जो बक्सा का मेरा है ना, इसको मैंने व्हाइट से पेंट कर दिया स्टैंड को, और सारे कपड़े मैंने इसमें ला के रख दिए हैं, बहुत टाइम लगा है सब करते करते, शाम हो गई है। तो देखिए छत पे जब मैं आई हूँ तो बच्चों की होली आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों को ही होली खेलने में मन लगता है, बड़े तो उतना खेल नहीं पाते और हम लोग तो खाना बनाने में ही रह जाते हैं पुआ पकवान ये समय। तो ये देखिए बच्चे यहाँ पे होली खेल रहे थे खूब मज़े से, और भी बच्चे हैं उधर खेतों में वो भी उधर होली खेल रहे हैं, ये देखिए इस तरफ भी होली खेली जा रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ कल के वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी होली दोस्तों, बाय बाय, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।